हाय गाइस, रोनवीर हियर, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग सब? तो सबसे पहले आप सबको अ वेरी 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 गुड मॉर्निंग। अगर आप लोग मेरे व्लॉग्स को कंटिन्यूअसली फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता लग गया रहेगा कि अभी मैं हूँ डेनवर कोलोराडो में, और यहाँ का दिन कल हम लोगों ने बहुत ही शानदार तरीके से बिताया। ट्रैवलिंग थी बहुत मेरी, मैं बहुत ही थक चुका था, लेकिन जब मैं यहाँ पहुँचा उसके बाद जो यहाँ का एनवायरनमेंट था, जो पहाड़ थे, जो सीनरीज थी, वो सारी देख के ना मेरी जो अंदर की जो आत्मा थी ना वो तरोताज़ा हो गई। और साथ में जब सलमान भाई और सबरीन जी हो तो आपको पता ही है मज़ा दुगना हो जाता है। आज का जो व्लॉग रहेगा थोड़ा छोटा रहेगा, क्योंकि उसमें मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जहाँ हम लोग रह रहे हैं वो कैसी जगह है। मतलब जगह तो बहुत ही खूबसूरत है, बट अगर मैंने आपको डिटेल में नहीं दिखाया तो मुझे मज़ा नहीं आया, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि बाद में चल के मुझे भी मेरी वीडियोज़ को देखने में अच्छा लगता है। सलमान भाई, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, सलमान इज हियर। सलमान भाई का ये वो तकिया कलाम होता है ना, वो तकिया कलाम बन चुका है कि सलमान इज हियर, जो कि सलमान भाई अपने इंस्टाग्राम में बहुत यूज़ करते हैं। अगर आप लोग फॉलो करना चाहते हैं सलमान भाई को तो सलमान भाई का इंस्टाग्राम ये रहा। और जस्ट आप लोग को एक व्यू दिखाने के लिए आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखो पहाड़ देखो, और वो देखो एक पहाड़ की चोटी वहाँ पर, और यहाँ हम लोग रुके हैं। आपको बहुत ही जल्दी मैं अंदर का नज़ारा कैसा वो भी दिखाऊंगा, बट उससे पहले आपको थोड़ा सा एक बाहर का नज़ारा दिखाना चाहता था कि क्या खूबसूरत जगह है। ऐसा है कि जब आप पहाड़ों में जाते हो तो आपको तो पता ही है, सुबह के टाइम पे ठंड होती है, शाम के टाइम पे ठंड होती है, और दोपहर के टाइम पे गर्मी होती है। मतलब दोपहर के टाइम पे आप वो बोलते हैं ना कि आप उबाला आ जाता है। तो इसीलिए आज के जो दूसरा व्लॉग आने वाला है उसमें मैं दो चीज़ें कैरी करने वाला हूँ। बड़ी मोटी वाली जैकेट नहीं कैरी करूँगा, उसमें तो मतलब अगर जब भी चढ़ाई होती है तो चढ़ाई करते करते यार सांस एकदम फूल जाती है। और ये जो वीडियोज़ आ रही है ना, ये सारी वीडियोज़ है स्पॉन्सर्ड, और ये स्पॉन्सर की है सलमान भाई ने। बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट आते हैं जो प्रोडक्ट लोग स्पॉन्सर करते हैं, चीज़ें स्पॉन्सर करते हैं, होटल स्पॉन्सर करते हैं, पर ये जो पूरी ट्रिप है मेरी वो स्पॉन्सर की है सलमान भाई ने। इट्स अ बर्थडे गिफ्ट टू मी, एंड थैंक यू सलमान भाई एंड सबरीन जी फॉर दिस वंडरफुल वंडरफुल गिफ्ट दैट आई विल चेरिश ऑल माई लाइफ। सो अभी कंटिन्यू करते हैं वीडियो को, अंदर जाते हैं रूम में। सलमान भाई, ये जो प्रॉपर्टी है आपको कैसे मिली, क्या सिचुएशन थी पूरी आप बता दो। पहली बात तो प्रॉपर्टी जो है ढूंढना इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, पिक सीजन चल रहा है ऑल द टाइम, तो जो रॉकी माउंटेन में देख रहे थे वो नहीं मिलता था, तो ये हमें मिली है एयरबीएनबी की तरफ से। तो हमें अच्छी लगी, लोकेशन बड़ी प्यारी लगी, और टोटल 5 दिन का हमने रिजर्व कराया इस पर। 5 दिन रफली बता देता हूँ, उसमें ऑलमोस्ट क्लोज टू $1,000 टैक्स फी। बट ये सीजन टू सीजन डिपेंड करता है, ऑफ सीजन में अलग कॉस्ट रहेगा, ऑन सीजन में और पीक सीजन में अलग टाइम और अलग कॉस्ट रहेगा। स्मूथ थी ट्रांजेक्शन, थी डिफिकल्ट नहीं थी। हमने तकरीबन 2 हफ्ते पहले इसको बुक करा लिया था। लिफ्ट का वेट करने लगेंगे तो टाइम लग जाएगा, तो पैदल ही चलो। ओह भाई, ये तो हमारा रूम है। अच्छा, क्या बात है। तो यहाँ पर रात को मेला जम सकता है। टेबल टेनिस भी है, पूल भी है, ये दो जो गेम्स है हमें पसंद है वो दोनों गेम है। चलो देखो रूम मैं दिखाऊंगा, बट उससे पहले जो छोटी मोटी चीजें हैं इस क्या लॉक है कुछ नंबर कोड वोड रहेगा होगा, मेरे उस पर लिखा मैंने दिया नहीं। ओके, यहाँ से देख लो, ये पूल रहा है यहाँ पर। ऐसा कुछ नज़ारा है हमारी 3rd या 4th floor की बालकनी से, जो कि बहुत खूबसूरत नज़ारा है। अगर आप देख सकते हो कि यहाँ पर लोगों ने लकड़ियाँ भी रखी हुई हैं। लोग यहाँ पर क्या करते हैं कि महीनों तक बुक करा लेते हैं जगह को,
और लकड़ियाँ लेकर रखते हैं, शाम को आते हैं, चिल करते हैं, रिलैक्स करते हैं। वो जो एरिया था पूल वाला, वहाँ से हम लोग बाहर जा सकते हैं, वहाँ पर भी बैठ सकते हैं। और सामने तो आपको दिख ही रहा है कितना खूबसूरत नज़ारा है। इट्स अ ब्यूटीफुल लोकेशन एंड टू कम एंड स्टे, और मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। सलमान भाई यार, यहाँ पर इतनी जगह एक्सप्लोर करने की, ये जो 5 दिन है अभी मैं और सबरीन बात कर रहे थे रात में, बहुत कम है भाई। इधर एटलीस्ट 2 हफ्ते चाहिए, सिर्फ माउंटेंस नहीं है, इधर इतनी ब्यूटी है यहाँ पर, वो देखने के लायक है यहाँ पर। अब जैसे ये एग्जांपल जैसे अभी रोहन दिखाया, वो रोड आ रहा है, वो उस रोड से हम लोग आए थे वहाँ पर, ठीक है। तो वो रोड को भी आप देखेंगे, सो इवन ड्राइव अराउंड इज सो ब्यूटीफुल। तो अच्छी जगह है, मज़ेदार। और अगर आप लोग नोटिस कर रहे हैं कि सलमान भाई भी हाँफ रहे हैं थोड़ा सा, और मैं भी हाँफ रहा हूँ, क्योंकि हम लोग सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर आए, और क्योंकि इतना ऊपर है कि अभी हम लोग कितने ऊपर रहेंगे सलमान भाई? 6,000 क्लोज टू, इसीलिए सांस फूल जाती है। और या लेट्स गो इनसाइड एंड शो यू ऑल द प्लेस। तो देखो, आपको एक रफ आइडिया अब लग गया रहेगा इस जगह के बारे में। सबरीन जी, किचन एरिया कैसा है? बहुत अच्छा। अच्छा है? कुछ तकलीफ हुई आपको? है? कुछ तकलीफ हुई आपको? बिल्कुल बिल्कुल नहीं। परफेक्ट। और इन लोगों ने बर्तन वगैरह भी दिए थे? बिल्कुल, बर्तन, कप्स, कॉफी मेकर, नाइफ, सब कुछ है, टोस्टर सब। नो, दैट्स नाइस। और ये फ्रिज भी दिया है, माइक्रोवेव भी है, दैट इज नाइस। और यहाँ पर सलमान भाई और सबरीन जी का रूम है ये, जो कि आप लोगों ने देखा, बहुत ही अच्छा रूम है। और सब सलमान भाई, अंदर चला जाऊँ? ऑफ कोर्स, आप दिखा दो। चलो, तो ये आ गया हमारा बेडरूम। कैबिनेट स्टोरेज के ऑप्शन बहुत ज़्यादा है, सारे स्टोरेज भी बने हुए, ड्रॉज दिए हुए, क्लोज़ेट दिए हुए, ड्रेसर दिए हुए, यहाँ टीवी है, पिछले 50 साल पुराना उन्होंने डीवीआर दिया हुआ है, नहीं देखता आज के टाइम में। अच्छा, ये डीवी, ओह माय गॉड, इतना पुराना है। ओके, और ये बाथरूम, ये दिस इज लाइक अ, या दिस इज लाइक अ मास्टर बाथरूम। या ये जो आप ऊपर देख रहे हो एटिक टाइप रूम है, यहाँ पर मैं सो रहा हूँ। रात को नींद तो मुझे लाजवाब आ गई थी। ये रहा बेड, और आपको तो पता ही है यहाँ पर लैपटॉप है, मेरा आईपैड है, यहाँ पर बैटरीज चार्ज हो रही हैं कुछ, यहाँ पर एक छोटा सा क्लोज़ेट है, ड्रोन की बैटरी है, और सॉक्स पड़े, वॉलेट पड़ा है। तो यह इस प्रकार का कुछ रूम है ये, जो कि मुझे तो बहुत अच्छा लगा रात को जब हम लोग आए थे। एक्चुअली मैं बहुत थका हुआ था, नींद बहुत ज़बरदस्त आई, मतलब आप लोग को बता नहीं सकता। मैं लेटा, थोड़ा सा मेरा जो व्लॉग था वो मैंने एडिट किया, उसको अपलोड करने के लिए रखा, अपलोड हो गया, बट मेरे में इतनी ताकत नहीं थी कि मैं थंबनेल बनाऊँ और सारा टाइटल वगैरह करूँ और उसको अपलोड करूँ, मैं सो गया। यहाँ पर अभी 9 बज रहे हैं, तो न्यू जर्सी में अभी 11 बज रहे हैं। 9 बजे मैं उठता हूँ, तो यहाँ पर मैं 7 बजे उठ गया था। 7 बजे उठा, मैंने टाइटल किया, थंबनेल किया और वीडियो को अपलोड किया। आप लोग प्लीज़ बताना कि आप लोग को वीडियोज़ कैसी लग रही हैं। ये जो बना हुआ जिसमें हम ठहरे हुए हैं, जिसको कभी यहाँ आना है, जो यहाँ रह रहे हैं न्यू जर्सी वगैरह न्यूयॉर्क में, तो ये 6 लोगों के लिए टोटल। अच्छा, स्लीपिंग फॉर 6, सो दैट सेक्शन राइट देयर। इसमें क्वीन साइज फुल मैट्रेस इसके अंदर है, क्वीन बेड ऊपर है, 2 उधर और 2 उधर, तो 6 लोग आप लोग बड़े कंफर्टेबली यहाँ पर सुकून से रह सकते हैं। 10-15 भी आ जाए इधर सो जाओ, कोई मसला नहीं है, पर 6 लोग के लिए है ये। ओके, टाइम टू टाइम वीडियोज़ अपलोड हो रही हैं, आप लोग प्लीज़ कमेंट करके बताना आपको वीडियोज़ कैसी लग रही हैं। इस वीडियो को मैं इधर तक ही रखता हूँ, छोटी सी वीडियो बनाई थी आप लोगों के लिए। एंड सबने जी कुछ बोलना है आपको? हम रेशमा को बहुत मिस कर रहे हैं यार, एंड अगर वो आ जाती तो और मजा दोबारा हो जाता, मजा डबल हो जाता। पर ट्रिप बनते रहेंगे, अभी तो समर समर चल ही रहा है, बहुत ट्रिप बनेंगे। हम लोग वैसे भी जरा आउट का, जरा आउट गोइंग का जरा मजा ज्यादा आता है। और दूसरा, जिसके पास स्टेमिना नहीं है, मैं अभी से वार्निंग दे रहा हूँ, डू नॉट कम टू दिस स्टेट, बिकॉज यू हैव टू हैव अ गुड स्टेमिना। ये अगर जिसके पास स्टेमिना नहीं है, प्लीज़ जाओ जिम, जाओ कार्डियो करो बहुत सारा, और फिर आओ और मजे लो यहाँ के। आप लोग प्लीज़ कमेंट करके बताना आपको वीडियो कैसे लगी। वीडियो को इधर तक ही रखूंगा, दैट्स अबाउट इट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप वॉचिंग, कीप मोटिवेटिंग, आई लव यू ऑल, एंड प्लीज बी सेफ। बाय बाय सबरीन जी, बाय बाय। सलमान इज हियर, बाय बाय।